तो हेलो गाइस, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक वाईफाई सीसीटीवी कैमरा, रिव्यू करने जा रहा हूँ इसका पूरे डिटेल्स के साथ, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं और क्या क्या आपको मिल जाएगा देखने के लिए। ये है आपका कैमरा, इसके साथ मिलेगी आपको एसएसएस में इसकी डाटा केबल और एक मिलेगा 5 वोल्ट का अडेप्टर। अडेप्टर कुछ दिखने में इस प्रकार का होता है। इसके साथ मिलेगा आपको एक स्टैंड कैमरे का और क्लिप पेज इसको लगाने के लिए। कैमरे की फीचर्स की मैं बात करूं तो इसके अंदर आपको मिल जाएगा यहाँ पर मेमोरी कार्ड का स्लॉट, यहाँ पर मेमोरी कार्ड लगा सकते हो 64 GB तक का। कैमरे को रिसेट करने के लिए यहाँ पर दे रखा है बटन, और स्टैंड जो लगेगा लगेगा इसके पीछे। कैमरे को सबसे पहले चालू करने के लिए आपको कैमरे को पावर देनी पड़ेगी और मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी V380 के नाम से। तो एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर के अंदर जाना, प्ले स्टोर में लिखना V380। इस तरह की कुछ एप्लीकेशन होती है, एप्लीकेशन को मैंने इंस्टॉल कर रखा है पहले से अपने फ़ोन के अंदर। अभी जो जो परमिशन मांगेगा इसके अंदर वो परमिशन इसको देनी पड़ेगी। सारी परमिशन हमने इसको दे दी है। ये बोल रहा है यहाँ पर अब अकाउंट बनाने के लिए, अकाउंट आप बनाना हो तो बना सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अब मेरे को यहाँ पर अकाउंट नहीं बनाना है, यहाँ पर ट्राई विदाउट एनी अकाउंट पे मैं क्लिक करता हूँ। अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर पूछता है कंटिन्यू और रजिस्टर, मैं कंटिन्यू पर सिलेक्ट कर देता हूँ। कंटिन्यू पर सिलेक्ट करने के बाद मैं देखता हूँ कैमरे के नीचे एक सीरियल नंबर लिखा रहता है 5928 करके, यहाँ पर एक नंबर दे रखा है। कैमरे को मैं यहाँ पर रखता हूँ और फ़ोन के अंदर अपने वाईफाई जो है मैं ओपन करूँगा। तो यही सेम सीरियल नंबर मेरे को मेरे फ़ोन के अंदर भी मिल जाएगा। इस सीरियल नंबर पर मैं एक बार कनेक्ट कर लेता हूँ इसको ईजिली, यहाँ पर यह कनेक्ट हो गया है। मैं एक बार बैक आता हूँ। बैक आने के बाद मैं अपने एप्लीकेशन की होम स्क्रीन पर हूँ। स्लाइड करने के बाद देखोगे यहाँ पर तो सीरियल नंबर का जो कैमरा है, जिस कैमरे का सीरियल नंबर है वो यहाँ पर आ जाएगा। इसको ऐड करूँगा, ऐड करने के बाद जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मांगेगा सेट पासवर्ड। पासवर्ड सेट करने के लिए यहाँ पर आप पासवर्ड कुछ भी डाल सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर पासवर्ड में डाल रहा हूँ ADMIN@123। आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, एट द रेट या ऐसा कुछ ऑप्शन जो भी कुछ डाल सकते हो और कुछ नंबर डाल सकते हो इसके अंदर। यहाँ पर देखोगे ये कैमरा हमारा पूरा इस पर चल चुका है। अभी इस वक्त ये लोकल नेटवर्क पे चल रहा है, लोकल नेटवर्क पर ये आपका 5 से 10 मीटर तक चलेगा, इससे ज़्यादा की इसकी रेंज नहीं होती। अब जहाँ पर भी ये कैमरा आप लगाओगे वहाँ पर अगर वाईफाई की सुविधा है, वाईफाई का कनेक्शन है, तो इस कैमरे को आप कहीं से भी कहीं पर भी देख सकते हो। जैसे आपने अपने घर पर लगा रखा है, अपने ऑफिस पर देख सकते हो, एक शहर से दूसरे शहर कहीं पर भी देख सकते हो। उसको कनेक्ट करने के लिए आपको सेटिंग में आना पड़ेगा। सेटिंग में आने के बाद ये नेटवर्क में आप जाओगे, जैसे यहाँ पर वाईफाई स्टेशन मोड दिखा रखा है, वाईफाई स्टेशन में जाने के बाद ये बोलेगा प्लीज सिलेक्ट वाईफाई। जैसे ही वाईफाई पे क्लिक करूंगा यहाँ पर वाईफाई का आपका जो कनेक्शन है ये मेरे नाम से यहाँ पर वाईफाई दे रखा है। वाईफाई का सेटिंग को सिलेक्ट करके यहाँ पर वाईफाई का पासवर्ड डालना पड़ेगा और यहाँ पर हम इसे सेव कर देंगे। आप जैसे कि सुन रहे होंगे यहाँ पर कैमरा वाईफाई से कनेक्ट हो रहा है। इसको कनेक्ट होने में 1 से 2 मिनट का टाइम लगता है, हम थोड़ा वेट करेंगे इसके लिए। अब जैसे कि आप देख रहे हो फोन का वाईफाई जो मैंने बंद कर दिया है, मोबाइल का इंटरनेट जो मेरा ऑन है। अब कुछ देर का यहाँ पर टाइम लगेगा। तो आप जैसे ये देख रहे हो 2 से 3 मिनट के अंदर जो अपना कैमरा यहाँ पर ऑनलाइन हो जाता है। ऑनलाइन डिवाइस अगर ऑफलाइन दिखा रहा है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे वीडियो पे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो वीडियो है ये रन होना चालू हो जाएगी, कैमरा आपका चल जाएगा। यहाँ पर ये रोटेट करने का इसमें ऑप्शन मिल जाता है, लेफ्ट राइट अप डाउन जैसे मर्जी इसको रोटेट कर सकते हो। ये वीडियो की क्वालिटी यहाँ से HD और non-HD करने का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। वीडियो की क्वालिटी HD और non-HD दोनों हो सकती है। वॉइस सुन सकते हो इसके अंदर, यहाँ पर वॉइस कमांड दे सकते हो कैमरे को, हेलो हेलो हेलो। यहाँ पर आपका रिकॉर्डिंग देखने के लिए रिप्ले का बटन दे रखा है।
अभी मेमोरी कार्ड इसके अंदर नहीं लगा है तो रिकॉर्डिंग नहीं होगी। यहाँ पर आराम का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पर मोर ऑप्शन में जाओगे तो आपको यहाँ पर मोशन ट्रैक का ऑप्शन मिल जाएगा। अब जैसे जैसे कोई भी मूवमेंट होगी वैसे वैसे ही कैमरा जो है अपना यहाँ पर मूव करने लग जाता है इस कंडीशन के अंदर। अगर कैमरा जैसे कि आपने वॉल माउंट पे देखोगे तो उल्टा लगा दिया, जैसे कैमरा आप इस कंडीशन में उल्टा लगा देते हो तो यहाँ से आप इन्वेंशन नाम से कुछ है यहाँ पर, जैसे आप करोगे तो कैमरा जो है अपना सीधा दिखाने लगेगा। तो आइए आपको इस कैमरे का मैं नाइट में व्यू कैसा दिखाता है मैं वो आपको दिखाता हूँ। इसकी सेटिंग्स मैं बंद कर देता हूँ फिलहाल, और आइए आपको इसका नाइट विजन दिखाता हूँ मैं नाइट में कैसा दिखाता है क्या। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मोबाइल के कैमरे से ही भी बिल्कुल भी साफ क्लियर नहीं दिख पा रहा है यहाँ पर रूम के अंदर, और आपको कैमरे में दिखाता हूँ तो मैं कुछ इस प्रकार की वीडियो दिखाई देगी। आप देख सकते हो मोबाइल में कितना यहाँ पर क्लियर फुटेज दिखा रहा है, ये आपकी नॉर्मल वीडियो और ये आपकी सीसीटीवी कैमरे की वीडियो। तो गाइस जैसे कि आपने नाइट का इसका विजन देख लिया, आपको दिन का विजन भी दिखाना चाहता हूँ मैं। डे विजन कुछ इस प्रकार का होगा इसका, आप रेंज भी देख रहे हो कैमरे की, रेंज भी बहुत अच्छी खासी है, काफी एरिया कवर कर रहा है अपना। और आप जैसे रोटेट करना चाहते हो इस कैमरे को तो यहीं से आप रोटेट वगैरह भी कर सकते हो। तो गाइस आपको वीडियो काम की लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, थैंक यू, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करना। तो गाइस बताना चाहूंगा ये कैमरा मैंने कहाँ से खरीदा, ये कैमरा मैंने आपको अपने गूगल पे सर्च मारना www.spionstore.com, यहाँ पर जैसे आप इसको सर्च करोगे, सर्च करने के बाद ये वेबसाइट खुल जाएगी। वेबसाइट खुलने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे कैमरास, तरह तरह के स्पाई कैमरास वगैरह, वाईफाई कैमरास सब देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस कैमरे को खरीदने का आपको लिंक जो है मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, कैमरा वहाँ से जाकर आप परचेज कर सकते हो, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, थैंक यू। Thank you.